Assalamualaikum and welcome back to Style Divers 2. बहुत प्यारा मौसम है, बहुत ही हसीन मौसम है और इसमें मैंने अभी फ़याल को फर्स्ट कोचिंग से पिक करना है और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह घर में गैस बिल्कुल नहीं आ रही और मेरी रोटी जो है तवे के ऊपर ही रहेगी। शुक्र है कि जल्दी में हमने जो है वो सालन पका लिया था नाश्ते के फ़ौरन बाद, लेकिन रोटी का मौका नहीं मिल सका तो उसको जल्दी से मैं मील खिलाती हूँ कहीं से भी। यहाँ पे बहुत बेहतरीन रिजवान पकवान है वहाँ से, और उसके बाद उसको सेकंड कोचिंग में मुझे लेके जाना है और वहाँ पे वेटिंग एरिया में वेट करने के बजाय मेरे साथ है मेरा क्राइम पार्टनर। कौन? मी, दिलारा। और दिलारा के साथ मैं जाऊँगी आज मॉल, क्योंकि रोज़ाना मुझे फ़रियाल को कोचिंग लेके जाना होता है। सामने ऐसे बेहतरीन मॉल है, मिलीनियम है, ज़ायमा है, आरजे मॉल है, और मैं नहीं जाती, सिर्फ उसको पिक एंड ड्रॉप करती हूँ। कितनी अच्छी माँ हूँ ना मैं, क्लैप फॉर मी। सो आज इस हसीन मौसम के सदके और अपने क्राइम पार्टनर के सदके हम जाएंगे इंशाल्लाह मॉल में, और मेरी पूरी कोशिश है कि विंडो शॉपिंग की हो, लेकिन अगर कुछ पसंद आ गया देन वी हैव टू बाय इट। सो कर लेंगे, खरीद लेंगे, कुछ नहीं होता, देखा जाएगा, जोगा देख लेंगे, निमट लेंगे सबसे। सो मेरे साथ रहेगा और मेरे क्राइम पार्टनर के साथ रहेगा। यो पार्टनर, लेट्स गो। स्टूडेंट और मैंने खा लिया खाना, लेट हो गए बड़ी बनाने में, और बड़ी बनाने में लेट हो गए, खाना जैसे ही आया टूट पड़े। ड्रॉप किया, ये कोचिंग सेंटर है। नहीं जी, बिलाखिर हम लोग पहुंच गए हैं मॉल में। थोड़ी सी ड्राइव है, ज़्यादा ड्राइव करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे जो COD है डालमिया पे, आर्मी पब्लिक स्कूल, उसके पास ही तमाम शॉपिंग सेंटर, तमाम तो नहीं, बड़े बड़े शॉपिंग सेंटर्स हैं, साइमा मॉल, मिलेनियम और आरजे मॉल। तो सबसे पहले तो शूज़ पे हमने हाथ साफ़ किए कि शूज़ देखें कौन कौन से हैं यहाँ पे, आजकल क्या वैरायटी चल रही है। जो हमारा असल टारगेट है वो है मिशेल की बर्थडे, उसके लिए मुझे गिफ्ट्स लेने हैं। इसके अलावा भी एक और सरप्राइज़ है जो कि मैं आपको जल्द बताऊंगी। तो कुछ इस तरह की एक्सेसरीज़। दिलारा की अभी तक समर क्लासेस तो चल रही हैं, तो मैंने कहा चलें आज का दिन ऑफ लेते हैं। वैसे तो स्कूल से आ चुकी थी, तो आज इसको पढ़ाई से थोड़ा ऑफ देते हैं और फ़रियाल को भी थोड़ा यहाँ पे घुमाते फिराती हूँ। कुछ दिन जो है कभी कभी चेंज भी हो जाने चाहिए, सेम डेज जो है वो भी इंसान को जो है वो हेक्टिक लगते हैं। ये शुक्र है कि मॉल में एवरेज रश था और ज़्यादा रश नहीं है, बस कुछ कुछ ही ख़वातीन यहाँ पे मौजूद थी। अच्छा, हमें यहाँ पे एक बहुत अच्छा एक बड़ा सेंटर मिला जहाँ पे हर चीज़ थी, बच्चों की एक्सेसरीज थी। 645 क्या क्या है इसमें? डायरी है, डायरीज भी है, कलर भी है, पेंसिल भी मिल जाएंगे आप, ज्योमेट्री बॉक्स, स्केल्स। प्यारे बैग्स हैं, प्रिंटेड। इट्स नॉट महा पैलेस, इट्स महान पैलेस। यहाँ पे जो है बहुत अच्छी क्रॉकरी भी मौजूद थी। कपड़ों की तरफ तो हमने इतना ध्यान नहीं दिया, लेकिन ये जो बच्चों की चीज़ें और क्रॉकरी थी बहुत ही अच्छे रेट में, जिस तरह सदर में हमें अच्छे रेट में मिल जाती हैं चीज़ें। और दिलारा को यहाँ पे ये जो है मक्स की तलाश थी अपनी कोल्ड कॉफ़ी के लिए, तो उसने वो पसंद की है। बाथरूम एक्सेसरीज भी मौजूद हैं, ₹550 का सेफ गार्ड हैंड वॉश, कॉटन बर्ड्स। ये ट्रे मुझे बहुत ज़बरदस्त लगी और इसमें मैंने राउंड शेप में वाली ट्रे ली, मुझे बहुत ज़बरदस्त लगी, इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी थी। और फ़रियाल को कुछ रजिस्टर चाहिए थे मैथ की रफ प्रैक्टिस के लिए, इसके अलावा स्पायरल जो है फाइल चाहिए थी, बस इस तरह की चीज़ें हमने ली जो कि मुझे मुनासिब रेट में लगी। आमतौर पर जो है इस रेट में चीज़ नहीं मिल रही होती आम मार्केट में या बुक शॉप्स पर, सो वी हैव बॉट इट।
थोड़ी सी वॉर विंडो शॉपिंग थी, यहाँ पे कलर थे, लेकिन मैंने दिलारा को समझाया कि बेटा तुम इस एज से निकल आई हो, अब तुम कॉलेज में जाती हो, मेरा मतलब है स्कूल जाती हैं, लेकिन इंटर कॉलेज है और बड़ी क्लास है तो कलर्स वगैरह की ज़रूरत नहीं। इस तरह से कह के मैंने इसको जो है ब्रेन वॉश किया। अब दिलारे से एज से निकल चुकी है, अभी बस पेन का इस्तेमाल किया, ओनली पेन, नो कलर्स। दिलारा अगेन इस एज से निकल चुकी है, ये बैग्स नहीं ले सकती। ये गाड़ी में आ गए अब हम, और सुकून आया है एसी में बैठ के। हालांकि मॉल जाए लेकिन मॉल में बिल्कुल भी एसी काम नहीं कर रहे होते, और मुझे अंदाज़ा नहीं हुआ कि काफ़ी टाइम खुश हो चुका है। हमने गाड़ी में आके देखा कि 6 o'clock हो रहे हैं, लेकिन फिर भी अच्छा टाइम जो है हमने स्पेंड कर लिया। लेकिन यहाँ से मैं एयरपोर्ट रोड पे टर्न ले लूँगी तो मुझे आगे पे ट्रैफिक नहीं मिलेगा इंशाअल्लाह। जी, बाज़ार जाने का जो असल मकासद थे वो थे कुछ गिफ्ट्स लेने हैं, क्योंकि मिशेल की बर्थडे है मेरी भतीजी की, और मैंने उसके लिए ये देखें कॉस्मेटिक्स का पूरा पैकेज लिया है। कॉस्मेटिक्स का पूरा मैंने सेट लिया है इसके लिए, मेकअप का पूरा डिटेल बच्ची के हिसाब से, टीनेजर के हिसाब से, जिसमें इसके लिए लिक्विड स्टिक है, कंसीलर, प्रो कंसीलर, अच्छा इसके अलावा व्हाट इज़ दिस पाउडर, ट्विन केक, एट्यूड का मैंने ये ट्विन केक लिया है, जिसको एज ए कंटोरिंग के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकती है। अच्छा जी, ये यहाँ पे मैंने शेड्स लिए हैं, बहुत अच्छे पिंक में ही ज़्यादा इसकी टोन है, शी गोना लव इट। एक्चुअली अब बच्ची को ये होता है कि उसके अपनी ज़ाती चीज़ें हों जिनको वो इस्तेमाल कर सके, सो दैट्स वाई टीनेजर के हिसाब से मैंने उसके लिए सामान लिया है। दिस वन इज़ मस्कारा और आईलाइनर है मिस रोज का, अच्छी मैंने क्वालिटी की स्टफ़ ली है ताकि उसकी स्किन हार्म ना हो, टीनेजर स्किन तो ज़्यादा ही सेंसिटिव होती है। और पिंक ही मैंने नेल पेंट लिया है, पिंक ही मैंने उसके लिए लिपस्टिक ली है, एंड दिस इज आई पेंसिल वाइट में, सो इट्स गोना बी एज के हिसाब से ये इसके लिए कंप्लीट एक पैकेज, और मुझे पूरा यकीन है शी गोना लव इट। और ये मैंने इसकी बॉक्स में पैकिंग कर दी, ठीक हो गया। ये हो जाएगा फरियाल की तरफ से गिफ्ट। अच्छा, दिस गिफ्ट इज स्टेट ऑफ द आर्ट आजकल के हिसाब से, ये देखें, ये मैंने इसके लिए लिए हैं हेडफोन्स, क्योंकि उसका अपना मोबाइल है, लैपटॉप है उसका अपना, उसके लिए ये बेहतरीन रहेगा। खूबसूरत इसमें कलर्स थे, और दराज से मैंने मंगवाया है, और जैस्मिन के लिए भी मंगवाया है, जैस्मिन की बर्थडे के हिसाब से। आपको खोल के दिखाती हूँ, देखें हमारे पास जो ऑलरेडी उसके पास जो हेडफोन्स हैं वो लेदर वगैरह के हैं, फिर भी वो लेदर की जो है वो अजीब सी स्किन ख़राब होने लगती है, तो दिस वन लुक्स वेरी गुड, बहुत फंकी लग रहे हैं, और ये देखें फोल्ड भी हो जाते हैं, इसका चार्जर भी है इसमें मौजूद, और बेहतरीन चीज़, मुझे बहुत पसंद आए, इतने पसंद आए कि जैस्मिन के लिए भी मंगवाया मैंने, ठीक है। इसको मैं ऐसे ही पैक कर देती, ठीक हो गया, इसको मैं ऐसे रख देती हूँ, और ये गिफ्ट हो गया जैस्मिन की तरफ से। अब ये मेरी तरफ से शर्ट, नाइस गोल्डन कलर लॉन्ग शर्ट है, टाइट्स के साथ भी पहन सकती है, जीन्स के साथ भी पहन सकती है, वंडरफुल, शी गोना लाइक। ये इसका बैक, ठीक हो गया। एंड द लास्ट वन दिलारा की तरफ से एंडियो की मैंने स्लीपर्स लिए हैं, ये देखें किस कदर खूबसूरत स्लीपर हैं, और अच्छा उसको इस तरह के शूज़ पसंद हैं मिशेल को ना, मेरे बच्चे तो ज़्यादातर कहते हैं कि बस स्पोर्ट्स शूज़ हों, लेकिन उसको ये लेडीज़ टाइप ऑफ सैंडल्स और चप्पलें बहुत प्यारी, और उसके पाँव पे प्यारी भी लगती हैं, तो आई होप
उसको ये बहुत पसंद आए, अच्छी है ना, बहुत प्यारी है, है ना। तो ये हो गया इसका कंप्लीट बर्थडे पैकेज, दिस वन ये मेकअप का सामान और ये शर्ट।